हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन। मेरा नाम मोनू है और आज हम DLTA सब्जेक्ट का एक टॉपिक करने वाले। आज का हमारा टॉपिक है फुल सब्ट्रैक्टर। और फुल सब्ट्रैक्टर का हम लोग ये ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। ब्लॉक डायग्राम में क्या दिया है, तीन इनपुट है, दो आउटपुट है। तीन इनपुट में हमने क्या लिया है, ABC, आउटपुट में D और B0। डी किसको डिनोट कर रहा है, डिफरेंस को, और B0 डिनोट कर रहा है बॉरोअर को। तो ये हमारा नॉर्मल सा ब्लॉक डायग्राम है किसका, फुल सब्ट्रैक्टर का। अब ये फुल सब्ट्रैक्टर में क्या आता है, फुल सब्ट्रैक्टर हम ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल में क्या दिया है, दो चीज़ दिए हमें, इनपुट और आउटपुट। इनपुट में क्या क्या है हमारा, ABC, तीन वेरिएबल्स, और आउटपुट में डिफरेंस एंड बॉरोवर। डिफरेंस में क्या दिया, A-B-C, मतलब इनको हम तीनों को माइनस करेंगे तो हमें डिफरेंस की वैल्यू मिलेगी, और इन तीनों में अगर कुछ बॉरो हुआ तो हमें उधर लिखना है। देखते, जीरो को माइनस करें जीरो तो हमें क्या आंसर आने वाला है, जीरो। बॉरो क्या आएगा, जीरो। जीरो माइनस जीरो इज जीरो, जीरो माइनस वन इज वन, बॉरो वन। जीरो माइनस वन वन, वन माइनस जीरो वन, क्योंकि वन माइनस जीरो जीरो, लेकिन जबकि बॉरो क्या आएगा हमारा, वन। जीरो माइनस अगर हम लोग वन कर रहे हैं, जीरो माइनस वन करेंगे तो क्या आंसर आता है, वन विथ बॉरो वन। तो बॉरो तो मुझे मिल गया, लेकिन वन माइनस वन क्या होता है, जीरो। वन माइनस जीरो इज वन, लेकिन जीरो जीरो जीरो। वन माइनस जीरो वन, वन माइनस वन जीरो, तो हमें क्या आएगा दोनों में, जीरो एंड जीरो। अब हम देखते हैं इसका, वन माइनस वन करेंगे तो क्या आने वाला है, जीरो। और जीरो माइनस जीरो इज जीरो। वन माइनस वन जीरो, जीरो माइनस वन वन, तो यहाँ पे मेरा सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, वन आएगा। और विथ, क्योंकि ये वन माइनस वन करें तो हमें आंसर आ रहा है जीरो, लेकिन जीरो माइनस वन करने पे आंसर क्या आएगा, वन विथ बॉरो वन। तो वन विथ बॉरो वन, तो ये मेरा ये गया। तो ये हमारा दो मिल गया, दो आउटपुट, एक तो हमें डिफरेंस का मिला और बॉरोवर का। तो इसमें हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक तो के मैप बनाना पड़ेगा, डिफरेंस का के मैप बनाना पड़ेगा और बॉरोवर का के मैप बनाना पड़ेगा। तो अब हम बनाते हैं किसका, डिफरेंस एंड बॉरोवर का के मैप बनाते हैं, देखते क्या करते हैं। अब हम बॉरो का के मैप देखते हैं। बॉरो में हमें क्या ध्यान देना, दो इसमें तो हमें मैपिंग देखना पड़ेगा इसका, दो की ग्रुपिंग होगी, दो की ग्रुपिंग है इसमें, पहला ये है। तो इसका हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, इसका आंसर क्या आएगा, ए के बाजू में क्या है, जीरो। तो इसका जीरो है मतलब क्या आएगा, ए बार आएगा। और यहाँ पे क्या है, जीरो वन वन वन, इन दोनों में सेम कौन सा नंबर है, वन और वन। वन किसके बाजू में, सी। ये बी सी में कौन सा, ये वन वन वन, दोनों में सेम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी। अब हम इस ये दोनों वन की ग्रुपिंग करते हैं, इन दोनों वन का ग्रुपिंग करेंगे तो ए के सामने क्या है, जीरो। तो यहाँ पे क्या है मुझे, ए बार। और बी सी के सामने क्या है, वन वन एंड वन जीरो, वन 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 जीरो, इन दोनों में सेम कौन सा है, ये वाला वन जो है, दोनों में कॉमन है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, बी। अब तीसरा ग्रुपिंग करें तो जो कि हमारा ये वाला ग्रुपिंग होगा, अगर मैं इन इसमें ग्रुपिंग करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, जीरो वन, तो मतलब इसमें से ए का टर्म तो आएगा ही नहीं। बी सी का टर्म देखते हैं, बी सी में क्या दिया है, वन वन दिया है, तो हमें यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ बी सी। तो हमें बॉरो का इक्वेशन मिल गया, बॉरो का इक्वेशन क्या मिला, बी जीरो। इसको हम लोग बॉरो से डिनोट कर रहे हैं, मतलब बी जीरो को हम लोग बॉरो से डिनोट कर रहे हैं। तो बी जीरो का क्या इक्वेशन मिला, ए बार सी प्लस ए बार बी प्लस बी सी। तो ये हमारा नॉर्मल बॉरो का इक्वेशन मिल गया। लेकिन हमें अभी लॉजिक डायग्राम बनाना है। लॉजिक डायग्राम बनाने के लिए इस डिफरेंस के इक्वेशन को और भी छोटा करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल है। इन दोनों अभी इस इक्वेशन में कॉमन क्या दिख रहा है, देखते ए बार बी बार सी है, ए बार बी सी बार है प्लस ए बी बार सी बार है। इसमें जो सी सी के टर्म है, ये देखो ये वाला सम और ये वाला टर्म, इन दोनों में सी जो मेरा कॉमन है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। ये पे सी कॉमन लिया तो मुझे क्या मिलेगा, ए बार बी बार प्लस यहाँ पे क्या है, ए बी। अब मैं इन दोनों में सी बार को कॉमन लेता हूँ, ये दोनों टर्म में सी बार को कॉमन लिया तो मुझे क्या मिलेगा, ए बार बी प्लस ए बी बार, ये मुझे मिल गया। अब इसमें क्या है, ए बार बी, ये हमारा क्या कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, ये मेरा एक्स और फॉलो कर रहा है, और ये जो दोनों है मेरा ये एक्स नॉर फॉलो कर रहा है। तो एक्स और एक्स नॉर के हिसाब से क्या हो गया, ये सी ए एक्स नॉर ऑफ बी, मतलब एक्स और का बार प्लस सी बार, ये एक्स और फॉलो कर रहा है, मतलब सी का एक्स और, मतलब ए एक्स और ऑफ बी, ये हो गया नॉर्मल इक्वेशन। अब इसे हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये जो मेरा, अगर मैं ए एक्स और ऑफ बी को एक्स ले लूँ तो ये मेरा क्या होगा, एक्स बार होगा, ये मेरा क्या होगा, एक्स बार। लाइक एग्जाम्पल लिखा था मैं इधर, समझिए मैंने इसको ऐसा ले लिया, सी एक्स बार प्लस सी बार एक्स, तो ये क्या मेरा एक्स और का इक्वेशन हो गया, जिसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सी प्लस एक्स और ऑफ एक्स। इसमें मेरा एक्स क्या है, मेरा एक्स जो है मेरा ए एक्स और ऑफ बी है। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो मैं इसको कैसे सब्स्टिट्यूट करूँगा डायरेक्टली, तो मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा सी बार, नहीं सी एक्स और ऑफ ए एक्स और ऑफ
बी, अगर अच्छे से लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ए एक्स और ऑफ बी एक्स और ऑफ सी। तो ये हमारा डिफरेंस का इक्वेशन मिल गया और बॉर्रो का इक्वेशन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसका लॉजिक डायग्राम बनाएंगे। लॉजिक डायग्राम कैसे बनाएंगे देख, अब हम इसका क्या बनाएंगे, लॉजिक डायग्राम। लॉजिक डायग्राम बनाने के लिए हमें दोनों इक्वेशन चाहिए। दोनों इक्वेशन कौन सा, डिफरेंस और बॉरोवर का इक्वेशन। डिफरेंस का इक्वेशन मुझे क्या मिला, ए एक्स और ऑफ बी एक्स और ऑफ सी, और बॉरो का इक्वेशन मुझे क्या मिला है, ए बार सी प्लस ए बार बी प्लस बी सी। ये इक्वेशन मुझे मिला है। अब मुझे इसका लॉजिक डायग्राम बनाना है। तो इसमें क्या है, मेरा एक्स और का टर्म यूज़ हुआ है, एंड टर्म यूज़ हुआ है और इसमें तीन गेट्स यूज होंगे, एंड एक्स और एक तो नॉट गेट क्योंकि बार भी चाहिए। तो हम लोग बना लेते हैं। पहला मैंने क्या किया, इधर ए को डिफाइन किया, ए ए का बार दैट इज नॉट गेट को लेके मुझे ए बार बना लिया। फिर मैं बी बनाता हूँ, ये मैंने बी किया, इसका लॉजिक डायग्राम बना रहे हम लोग। ये बी यहाँ पे आया मेरा बी बार। फिर सी लिया, अगर मैं सी में नॉट गेट लगाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सी बार। अब मुझे क्या चाहिए, ए एक्स और ऑफ बी एक्स और ऑफ सी, मतलब ए से मैंने वायर यहाँ से लिया, फिर मैं इधर से बी लेता हूँ और यहाँ से मैं क्या लूँगा, सी, और यहाँ पे मैं क्या लगाता हूँ, एक्स और, एक्स और गेट लगा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सिंपल डिफरेंस का टर्म मिल जाएगा। डिफरेंस क्या है, ए एक्स और ऑफ बी एक्स और ऑफ सी। तो ऊपर का पार्ट तो बन गया, अब हमें नीचे वाला बनाना है। ये क्या है मेरा, बॉरो का पार्ट। तो बॉरो का पार्ट को कैसे बनेंगे, ए बार सी दिया, मतलब ए बार कहाँ है मेरा, यहाँ है, ए बार ले लिया। सी कहाँ है मेरा, यहाँ है, सी ले लिया। अब ए बार सी में कौन सा गेट लगेगा, एंड गेट लग गया। और दूसरा क्या है मेरा, ए बार बी, ए बार कहाँ है मेरा, यहाँ है, और बी कहाँ है मेरा, बी 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 यहाँ है, यहाँ से मैंने एंड गेट ले लिया। अब और क्या चाहिए मुझे, बी सी चाहिए जो कि इधर है, बी और सी, बी सी मिल गया, इसमें भी एंड गेट लग गया। अब इन तीनों के बीच में क्या है, प्लस साइन है, प्लस के लिए मुझे कौन सा गेट यूज़ करना है, और गेट यूज़ करना है। तो ये मैंने और गेट लगाया, और गेट में मैंने तीनों के आउटपुट को डाल दिया, तो मुझे क्या मिलेगा बोरो में, सिंपल ए बार सी प्लस ए बार बी प्लस बी सी। यहाँ पे क्या है मेरा, मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरा आउटपुट आया था ए बार सी, यहाँ पे मेरा आउटपुट आया मेरा ए बार बी, और यहाँ पे मेरा आउटपुट आया बी सी। इन तीनों को मैंने और गेट किया तो मुझे आंसर आ गया ए बार सी प्लस ए बार बी प्लस बी सी। तो ये हमारा लॉजिक डायग्राम किसका, फुल सबट्रैक्टर का। और भी वीडियोस स्क्रीन पर आने वाले हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इसका नोट चाहिए तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको इस सब्जेक्ट में ज़्यादा पढ़ना है तो सर्च कीजिए www.lastmomentation.com। थैंक यू।